हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सरोन गोस्वामी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आप क्लास 10th में हो और अभी तक आप लोगों ने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो आप लोगों ने बहुत सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टाइम टेबल बताने वाला हूं कि आप लोग बनाकर अगर उस पे इस टाइम टेबल पर चलते हो तो आप लोगों का 90+ कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपका सपना 60% से नीचे है तो ये टाइम टेबल आपको नहीं देखना है। अगर 60%, 70%, 80% से ऊपर आपका ड्रीम है, सपना है, तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि इससे अधिक आप लोग अगर इस टाइम टेबल का फॉलो करोगे तो अच्छे से पा जाओगे 80%+, 90%+। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट अपना टाइम टेबल कैसे बनाए। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके पास हिंदी का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है, मैथ का होता है, ठीक है, एंड सामाजिक विज्ञान का होता है, एंड कला का, आर्ट का होता है, कुछ बच्चे संस्कृत भी ले सकते हैं, एंड साइंस का होता है। आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब हम इन 6 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें? देखो स्टूडेंट, अगर आप कला की चिंता कर रहे हो तो थोड़ी सी भी चिंता ना करो, केवल एक वीडियो में आपका कला का 45 नंबर क्लियर हो जाएगा। बच्चे का कितना? आपका 25 नंबर, वो भी बहुत ही ज्यादा इजी होता है। तो कला बहुत ही ज्यादा इजी है, और बचते हैं 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट बहुत ही मतलब आप लोगों को हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट अगर आप लोग इस टाइम टेबल का प्रयोग करते हो तो आप लोगों को हार्ड कुछ नहीं लगेगा। अगर साइंस हार्ड लग रहा हो तो 1 से 11 लेसन तक पढ़ा दिया गया है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। साइंस की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो रही है। अब देखो स्टूडेंट, अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो आपको हानि क्या होगा? देखो, आप लोगों ने इंग्लिश में उठा लिया नंबर, हिंदी में उठा लिया, एंड इसमें सामाजिक विज्ञान में उठा लिया, कला में उठा लिया, इतने 4 सब्जेक्ट में उठा लिए। बचे 2 सब्जेक्ट जिसमें आप साइंस और मैथ में, या मैथ में उठा लिया साइंस में लो हो गए, या साइंस में लो हो गए मैथ में उठा लिया, ठीक है। तो अगर आपका एक भी सब्जेक्ट का मतलब घटता है नंबर, तो आप लोग समझ लो आप लोगों का सपना जो है वो टूट जाएगा। इसलिए आपको सभी को शेड्यूल से पढ़ना है, सभी को बराबर पढ़ना है। जो ज्यादा कमजोर हो छात्र जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट को आप समय कौन सा दें वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कौन से समय पढ़ें जो ज्यादा सब्जेक्ट आपका कमजोर हो, उस समय अगर आप लोग पढ़ोगे तो सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग इस टाइम टेबल को फॉलो करना, ठीक है। देखो स्टूडेंट, टाइम टेबल है, देखो आपके पास सब्जेक्ट कितने हैं, टाइम टेबल देखो यहाँ है। टाइम टेबल देखो स्टूडेंट, आपके पास सब्जेक्ट और टाइम, देखो सब्जेक्ट आपके पास कितने हैं, अगर आप क्लास 10th में हो तो देखो साइंस होगा, इंग्लिश होगा, मैथ होगा, ड्राइंग होगा, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, ठीक है। अगर आप समझ लो कि साइंस में ज्यादा कमजोर हो, ठीक है, तो आप लोग इस सब्जेक्ट को कब पढ़ो? देखो आपको एक चीज करना है, अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाते हो तो 4:30 बजे जरूर उठ जाया करो सुबह, क्योंकि अगर आप सुबह उठकर नहीं पढ़ते हो तो आप समझ लो कुछ नहीं पढ़ते हो, क्योंकि सुबह का टाइम पढ़ने का बहुत ही ज्यादा सुहावना होता है। आप लोग डेली उठने का प्रयास करो, 4 पे ना उठ पाओ 4 बजे, या तो आप लोग 4:30 बजे 4:30 पर जरूर उठ जाया करो। अलार्म लगा लो, अपने बगल में अलार्म लगा लो मोबाइल में, ताकि आप लोग उठकर स्टडी कर सको। अगर नहीं उठ पाते हो तो जान लीजिए आप बहुत ही बड़ा घाटा कर रहे हो, क्योंकि आपको इस टाइम बहुत ही अच्छे से सब्जेक्ट याद हो जाते हैं। एक बार प्रैक्टिस करके 2-3 दिन उठकर देखिए और पढ़कर देखिए, आपको वो हमेशा याद रहेगा। अगर आपका समझ लो साइंस बहुत ज्यादा कमजोर है तो आप इसे समय कब दो? देखो 4 से 4:30 से, अब मैं 4 से नहीं बात कर रहा हूं, 4:30 से 5:30, यानी कि 4:30 से 5:30 तक, ठीक है। देखो स्टूडेंट, अगर आप 4 बजे उठ जाते हो तो 30 मिनट आप लोग थोड़ा वर्कआउट कर लिया करो अपने मतलब घर पर, ठीक है, घर पर, ठीक है, घर पर वर्कआउट 30 मिनट कर लिया करो, फिर 4:30 से 5:30 तक इसे पढ़ लिया करो, याद कर लिया करो, ठीक है। फिर इंग्लिश की बारी आती है, तो आप लोग इंग्लिश यहाँ आप लोगों को आधा घंटा यानी कि 30 मिनट रेस्ट करना है, फिर 6 o'clock से स्टार्ट करना है इंग्लिश, और 6 o'clock से आपको करना क्या है, 7 o'clock तक इसे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 6 o'clock से 7 o'clock तक। अब मैथ की बारी आती है, फिर आपको सुबह 7 तक पढ़ना है, 8 भी कर सकते हो लेकिन स्कूल खुल जाएगा तो स्कूल जाना पड़ेगा, तो 7 तक आप लोगों को करे रहिए। अब फिर मैथ की बारी आती है, तो मैथ अगर आप लोगों को पढ़ना है तो स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद अगर आपका 2:30 बजे छुट्टी होता है 2:30 पर, तो आप लोग आइए और 4 यानी कि 4 o'clock तक रेस्ट कीजिए, फिर 4 o'clock से अपना स्टडी स्टार्ट कर दो। और कब तक? देखो आपको पढ़ना है लगभग 2 घंटे 6 o'clock तक, क्योंकि मैथ को लगाना 1 घंटे में पॉसिबल नहीं, कम से कम आपको 2 घंटे मैथ लगाना ही लगाना पड़ेगा। ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो ड्राइंग आप लोग हफ्ते में केवल
अच्छे से अगर आप लोग एक दिन पढ़ लो तो ड्राइंग में आपका एक भी नंबर नहीं कट पाएगा, वो भी संडे को। संडे को आप 2 या 3 घंटे इसे पढ़ लिया करो। किस दिन? संडे को, ठीक है, संडे को। देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को 2 वीडियो में 70 नंबर आपका पक्का करा दूंगा आर्ट का, ये मेरी गारंटी है। सामाजिक विज्ञान की बात आती है तो सामाजिक विज्ञान आप लोग क्या करो, देखो आप लोग यहाँ 6 तक ये पढ़ो, फिर आप लोग 1 घंटा आराम करो, फिर 7 o'clock से आप लोग 8 o'clock तक सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया करो, 7 o'clock से 8 o'clock तक शाम में, ठीक है, ये पढ़ लिया करो। फिर उसके बाद आप लोग 8 o'clock से आप लोग आराम से हिंदी के पद याद करो, इनके कहानियां याद करो, ठीक है, ये आप लोग 10 o'clock तक कम से कम ले जाओ, ठीक है, ये कम से कम आप 10 o'clock तक जरूर पढ़ो। अगर 10 o'clock तक नहीं पढ़ोगे तो ये समझ लीजिए आपके लिए बेहतर नहीं है। कम से कम 10 o'clock तक शाम को, और सुबह 4 से 4:30 बजे यानी कि 4 o'clock पर उठ जाना है। अब 10 इधर 2 12 4 यानी कि 6 घंटे की नींद एक क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, आप लोगों को नींद भी लेना मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, तो आप लोग 10 o'clock पर बिल्कुल आप लोग अपने बिस्तर पहुंच जाया करो और 4 बजे यानी कि 4 o'clock पर उठ जाया करो, ठीक है, इतना आप लोगों के लिए बहुत है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा एक सबसे बेहतरीन टाइम टेबल। अगर इस टाइम टेबल का फॉलो करते हो तो आपका हर एक सब्जेक्ट क्लियर रहेगा और आप लोग आसानी से स्टडी भी कर सकते हो। और हमारे साथ आप लोग स्टडी करना है तो साइंस का मैंने 11 नेशन पढ़ा दिया, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और ऐसे मैंने मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ड्राइंग के भी बताए हैं, तो आप लोग वीडियो देखकर तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।